हेलो, दिस इज डॉक्टर उपेंद्र कौर. वेलकम टू फिजियो लेक्चर. अब लास्ट का जो लेक्चर था उसमें हमने मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जो था उसके बेसिक्स के बारे में देखा कि किस तरह से होता है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी देखी, एपिडेमियोलॉजी देखी, फिर डायग्नोसिस और सिम्टम्स, ये सब देखा था. अब ये वाला जो पार्ट है इसमें सिर्फ मैनेजमेंट है. पार्ट टू में उसमें भी बेसिकली फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा है. अगर अभी तक आपने पहला वीडियो ना देखा हो तो उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और ऊपर आई बटन में भी आएगा. तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट. मेडिकल मैनेजमेंट में ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं लाइक डिसीज मॉडिफाइंग थेरापेटिक एजेंट्स फॉर MS, और उसमें सबसे पहले इंटरफेरॉन बीटा 1 भी दी जाती है जिसमें बीटासोन और एक्सटेविया है, और दूसरी बीटा इंटरफेरॉन बीटा 1A जिसमें एवोनेक्स, रेबिस, कोपैक्सोम, गिलेनिया, टेक्सीडेर. अब ये तो था मेडिकल मैनेजमेंट. इसके अलावा और भी बहुत सारी पेन रिलीविंग के लिए या स्पास्टिसिटी के लिए कुछ ड्रग्स दी जाती हैं. अब फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट. फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट में सबसे पहले है मैनेजमेंट ऑफ सेंसरी डेफिशिट. कोई सेंसेशंस में प्रॉब्लम हो, सेंसरी ऑर्गन में प्रॉब्लम हो तो किस तरह से मैनेजमेंट करना है. तो सबसे पहले अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उसमें विजन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है, या तो ब्लर्ड विजन या तो डबल विजन. अब अगर पेशेंट में ब्लर्ड विजन होगी तो पेशेंट को बोलना है कि एडिक्वेट लाइटिंग में रहे या फिर ब्राइट लाइट यूज़ करें नाइट के टाइम पे. और अगर डबल विजन है तो पैच, आई पैच जो है वो यूज़ करने के लिए बोलेंगे कि एक आई पे आई पैच यूज़ करें. उससे क्या होगा कि पर्सन दूसरी आई से जब देखेगा तो उसकी जो आई में जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी. पर ये जो आई पैचिंग है वो हम हर टाइम पे यूज़ नहीं कर सकते हैं. इन केस ऑफ डबल विजन इट इज़ एडवाइज टू प्लेस पैच ओवर वन आई एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर इम्प्रूविंग रीडिंग, ड्राइविंग, वॉचिंग टेलीविजन. हाउएवर आई पैचिंग इज नॉट यूज ऑल द टाइम बिकॉज इट विल प्रिवेंट पॉसिबल अडेप्टेशन ऑफ CNS एंड आई पैचिंग ऑल्सो इंटरफेयर्स विद डेप्थ परसेप्शन. तो आई पैचिंग के कुछ नुकसान भी है इसलिए ये हर टाइम पे यूज नहीं की जा सकती. अब दूसरे भी कोई सेंसरी सिम्टम्स जो है आ रहे हो या सेंसरी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए टेपिंग, वर्बल क्यूइंग, बायोफीडबैक ये सब जो है यूज कर सकते हैं. सेंसेशन के बाद इम्पॉर्टेंट है स्किन. स्किन जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में पेशेंट की स्किन को क्लीन और ड्राई रखना है और रेगुलरली इंस्पेक्ट करना ज़रूरी है. एटलीस्ट वंस अ डे, दिन में एक बार तो देखना ही है, इंस्पेक्शन क्लियरली करना है स्किन का, ताकि कोई रेडनेस हो या फिर बोनी एरियाज पे जो है कुछ हो तो हम तो पर्सन को जल्दी पता चल जाए. क्लोथिंग जो है एकदम ब्रीदेबल और कंफर्टेबल होनी चाहिए, सॉफ्ट, ना तो बहुत ज़्यादा लूज ना तो बहुत ज़्यादा टाइट होनी चाहिए, एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए, ब्रीदेबल और कंफर्टेबल होनी चाहिए. या फिर बटन्स, पॉकेट्स, ये सीम्स ये सब जो है वेट बेयरिंग एरियाज में पर्टिकुलरली जो है प्रेस ना करे, कोई जो है प्रेस ना हो तो वो सब भी ध्यान रखना है. रेगुलर प्रेशर रिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में. अगर पेशेंट बेड रिडन है तो टिपिकली 2 आवर्स में जो है उनकी पोजीशन चेंज करते रहना है. और अगर व्हील चेयर पे है पेशेंट, ज़्यादा सीटिंग में रहता है तो एवरी 15 to 30 मिनट्स में जो है वो थोड़ी जो है सीटिंग अरेंजमेंट, वो पोजीशन जो है वो चेंज करते रहना है. तो उससे क्या है कि प्रेशर सोर्स जो है वो डेवलप नहीं होंगे. प्रेशर रिलीविंग devices may be necessary to protect insensitive area and should be implemented as appropriate. अब अगर patient bedridden है तो pressure releasing devices PRD वो भी use कर सकते हैं, जैसे कि mattresses, water की, gel की, air की, इस तरह की मिलती हैं तो वो mattresses use कर सकते हैं, जिससे क्या होगा पूरा body weight distribute हो जाएगा, उससे shear और friction जो है वो कम होगा. तो ये सब हम स्किन केयर में यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पेन. अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो पेन होता है वो 4 तरह का होता है और मैनेजमेंट किस टाइप का पेन है उस पे डिपेंड होता है. पहला है कि मैनेज पेन जो है डायरेक्टली मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है. सेकेंड है पेन सेकेंडरी टू अदर सिम्टम ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस.
मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कोई सिम्टम है उसकी वजह से पेन हो सकता है, या फिर पेन एज अ रिजल्ट ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट फॉर MS, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में कोई ड्रग ट्रीटमेंट दी है उसकी वजह से पेन हो सकता है, और फोर्थ पेन इंडिपेंडेंट ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, फोर्थ मतलब पेन जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से है ही नहीं, कोई और रीजन की वजह से, तो ये फोर टाइप का पेन हो सकता है। अब ये जो पेन है किस टाइप का है उस हिसाब से उसकी मैनेजमेंट दी जाती है, पर जनरल मैनेजमेंट देखा जाए तो सबसे पहले पता लगाना होता है कि कौन सा कॉज है पेन का। पेशेंट को जो है पेन रिलीफ स्ट्रेचिंग से, एक्सरसाइज, मसाज, अल्ट्रासाउंड, ये सबसे जो है रिलीफ मिल सकता है। पोस्टरल रीट्रेनिंग ऑन करेक्शन ऑफ फॉल्टी मूवमेंट पैटर्न भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी पोस्चर जो है पर्सन थोड़ा गलत तरीके से लेता है उसकी वजह से पेन होता है, तो ये सब ठीक करने के लिए ऑर्थोटिक डिवाइसेस या फिर अडेप्टिक फिटिंग डिवाइसेस यूज कर सकते हैं, या फिर पर्सन को जो है गाइड कर सकते हैं। थर्ड है कि स्टैबिंग पेन हो सकता है, जैसे कि लैरिंजियोसाइन हो पर्सन में तो स्टैबिंग पेन होता है, तो उसमें क्या करना है कि पेशेंट को नेक फ्लेक्स नहीं करने देना है, तो नेक फ्लेक्स लिमिट करने के लिए उसको सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर दे देना है, जिससे नेक फ्लेक्शन होगा नहीं और स्टैबिंग पेन होगा नहीं। प्रेशर स्टॉकिंग और ग्लव्स कैन बी यूज टू रिलीव द पेन, कन्वर्टिंग द सेंसेशन ऑफ पेन टू द प्रेशर। अब उसके अलावा प्रेशर स्टॉकिंग या ग्लव्स यूज कर सकते हैं, उसमें क्या होता है कि पेन जो पेन की सेंसेशन होती है वो प्रेशर की सेंसेशन में कन्वर्ट हो जाती है। उसके अलावा हाइड्रोथेरेपी, पूल थेरेपी, और उसमें भी ल्यूक वार्म वाटर यूज करना है, तो ये भी काफी बेनिफिशियल होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, बायोफीडबैक, मेडिटेशन, ये सब जो है एनजाइटी और पेन रिड्यूस करने के लिए अच्छे हैं, या फिर ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। पर टेंस जो है वो कुछ पेशेंट्स में जो है सिम्टम्स को वर्स करता है, कुछ में इम्प्रूव करता है, तो ये जो है इसका टेंस का जो रोल है वो थोड़ा कंफ्लिक्टिंग रिजल्ट्स देता है। बाकी जो है ऊपर की जो भी स्ट्रेटेजीज है उसमें अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम जो है मैनेजमेंट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज ट्रेनिंग। एक्सरसाइज ट्रेनिंग में स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को या तो अल्टरनेट डेज पे एक्सरसाइज देनी है, जनरली मॉर्निंग टाइम में देनी है, क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं अगर टेम्परेचर बढ़े या फिर फैटिक ज़्यादा होने लगता है पेशेंट, तो उससे प्रॉब्लम होती है, तो मॉर्निंग टाइम पे और अल्टरनेट डे पे देनी है। लेकिन अगर पर्सन में न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है तो उसको डेली एक्सरसाइज देनी है और फ्रिक्वेंटली देनी है, फ्रिक्वेंट एक्सरसाइज। रेजिस्टेंट ट्रेनिंग मोड्स कैन इंक्लूड वेट मशीन, फ्री और पुली वेट, लेटेक्स रेजिस्टेंट बैंड और आइसोकाइनेटिक मशीन। उसके अलावा रेजिस्टेंट ट्रेनिंग यूज कर सकते हैं, सर्किट ट्रेनिंग यूज कर सकते हैं। सर्किट ट्रेनिंग में होता क्या है कि जैसे कि पहले अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, इस तरह से एक्सरसाइज करवानी है कि वर्क बढ़ जाए और मसल्स जो हैं वो थके नहीं, तो ये सर्किट ट्रेनिंग पूरा इस तरह से होता है। सेशन शुड इन्वॉल्व डिसकंटिन्यूस वर्क, केयरफुल बैलेंसिंग एक्सरसाइज विद एडिक्वेट रेस्ट पीरियड। अब इसमें क्या होता है कि एक्सरसाइज के टाइम पे बीच बीच में पूरा रेस्ट पीरियड देना है पेशेंट को, ताकि वो ओवरवर्क ना करे, और प्रिकॉशन रखने की बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे, ओवरहीटिंग ना हो, इसके लिए एयर कंडीशनर रूम यूज कर सकते हैं, या एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो है उसे केयरफुली कंट्रोल करना होगा, फैन, वेट नेक रैप, स्प्रे बॉटल्स, ये सब यूज कर सकते हैं जिससे स्किन जो है वो कूल रहे, तो बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो मेंटेन रखना होगा, ओवरहीटिंग को प्रिवेंट करना होगा। फंक्शनल ट्रेनिंग एक्टिविटीज भी यूज करनी होंगी जिससे स्ट्रेंथ और फंक्शनल एंड्यूरेंस जो है वो और बढ़े। इंडिविजुअल विद अटैक्सिया एंड बैलेंस प्रॉब्लम में रिक्वायर द यूज ऑफ मोर स्टेबल पोस्चर। अगर पर्सन में अटैक्सिया और बैलेंस प्रॉब्लम है तो उसे और स्टेबल पोस्चर यूज करना होगा, जैसे मॉडिफाइड प्लांटीग्रेड, क्वाड्रोपेड और सपोर्ट सिटिंग। ग्रुप एक्सरसाइज प्रोवाइड वैल्यूएबल मोटिवेशन एंड द सोशल सपोर्ट। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। इसमें स्ट्रेचिंग और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस देनी है जिससे फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो और ये जो है काउंटर अटैक भी करे, काउंटर टू द इफेक्ट ऑफ स्पास्टिसिटी। मैनेजमेंट ऑफ फैटिक।
अब पर्सन जो है वो जल्दी थकने लगता है, तो उसके लिए सबसे पहले थर्मल स्ट्रेस हो सकता है पेशेंट का, कि एक्सरसाइज ज़्यादा करवाई है तो वो हीट, बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो बढ़ने लगा है, उसकी वजह से भी जो है पर्सन में फैटिगेबिलिटी आती है। लेकिन ऐसे पर्सन में हम क्या कर सकते हैं, एक तो एक्सरसाइज के टाइम एडिक्वेट रेस्ट देंगे, और दूसरा यूज़ ऑफ कूलिंग एंड प्री कूलिंग ट्रीटमेंट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। कूलिंग और प्री कूलिंग ट्रीटमेंट जो है एक्सरसाइज के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड स्ट्रेटजी है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में होता क्या है कि पर्सन को इस तरह के टास्क सब दिए जाते हैं, इस तरह से स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि पर्सन थके नहीं, और ऐसी एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं कि ओवरऑल जो है फैटिगेबिलिटी पर्सन में ना आए। मैनेजमेंट ऑफ स्पास्टिसिटी, तो इसके लिए क्रायोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, PNF स्ट्रेचिंग टेक्निक्स लाइक होल्ड रिलैक्स एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिव और पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, तो इससे जो है स्पास्टिसिटी जो है रिड्यूस होगी। मैनेजमेंट ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, तो इसके लिए PNF टेक्निक्स, डायनेमिक पोस्चरल कंट्रोल एक्टिविटीज। अब डायनेमिक पोस्चरल कंट्रोल एक्टिविटीज में किस तरह से, कि जैसे पर्सन को जो है पहले एक वेस्टिबुलर वॉल पे बिठाया है, ऊपर वन हैंड अप किया, सपोज लेफ्ट हैंड अप किया, तो फिर उसके बाद उसे उसने बैलेंस बनाना उसको आ गया एक बार, तो फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड के साथ राइट लेग भी अप करेंगे। तो इससे इस तरह की जो एक्टिविटीज है वो डायनेमिक पोस्चरल कंट्रोल एक्टिविटीज होती हैं। धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाना है। यही एक्सरसाइज में स्टैंडिंग में करवानी है, कि पर्सन को स्टैंडिंग में बोलना एक हाथ ऊपर लेके जाओ, फिर दोनों हाथ ऊपर लेके जाओ, फिर एक हाथ और अपोजिट पैर जो है वो ऊपर लेके आओ। तो इस तरह से जो है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन की ये जो है डायनेमिक पोस्चरल कंट्रोल एक्टिविटीज करवा सकते हैं, और धीरे धीरे इनका प्रोग्रेशन। लोकोमोटर ट्रेनिंग में जो है एक बार जो है सबसे पहले टोन मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेचिंग इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। तो वॉकिंग करने से पहले टोन मैनेजमेंट, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग ये सब देना है, और पर्सन को ज़रूरत पड़े तो केन, फोरआर्म क्रचेस या वॉकर जो है वो देना है, ताकि पर्सन जो है जल्दी थके ना, और उसमें जो है इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें जो है हम डिवाइसेस कंपेंसेट करने के लिए दे सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ स्पीच एंड स्वेलोइंग, तो उसमें स्पीच और स्वेलोइंग के लिए एक तो रेजिस्टिव ब्रीदिंग ट्रेनिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर टेंस दे सकते हैं जैसे कि ट्रांसक्यूटेनियस न्यूरो मस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन टू द सब मेंटल मसल, ये स्वेलोइंग के लिए, और टेक्टाइल थर्मल टेक्टाइल स्टिमुलेशन, तो ये सारी जो है स्पीच एंड स्वेलोइंग के लिए देख सकते हैं। तो ये था मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मैनेजमेंट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।